भाई लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर स्पीकर जो कि 15 इंच का है, 1200 वाट का स्पीकर है। काफ़ी हेवी बेस और मिड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन के लिए स्पीकर ढूंढ रहे हैं तो ये स्पीकर आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, जिसका मॉडल नंबर है 15PT1200, जो कि इसका जो ब्रांड है वो स्वेटन की तरफ से आता है। इंडियन स्पीकर है, मतलब कि कोलकाता में इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, और इंडियन स्पीकर है तो आप स्पीकर देख ही सकते हैं, काफ़ी तगड़ा होने वाला है। और प्राइसिंग भी आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में ये स्पीकर जो है देखने को मिल जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ स्वेटन का 15PT1200 स्पीकर का प्राइस कितना होगा, इसमें हम कितने वाट का एम्पलीफायर लगाएंगे जिससे कि हम इसको काफ़ी अच्छे से बजा पाएँ और हमें साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल पाए। तो सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्वेटन के 15PT1200 स्पीकर के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे इस स्पीकर का, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्पीकर में आपको क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलता है। तो स्पीकर के ऊपर मैग्नेट में आपको होल देखने को मिल जाते हैं, जो कि स्पीकर जब गर्म होगा तो उसका हीट सिंस जो है वो बाहर निकलेगा। और यहाँ पर बगल बगल में आपको हीट सिंस, यहाँ पर मतलब कि स्पीकर में हवा जाने के लिए जगह दिया जाता है, जो कि आपका वॉइस कॉइल जल्दी जले ना। वहीं हम बात करेंगे तो स्वेटन का और 15PT1200 स्पीकर का ब्रांडिंग और यहाँ पर मॉडल सारा चीज़ मेंशन कर दिया गया है मैग्नेट के ऊपर स्टिकर द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पर 1200 वाट AS पावर प्लस यहाँ पर 8 ओम्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके आपका स्पीकर कितने वाट का है और कितने ओम्स का है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर जो इसका फ्रेम है वो भी काफ़ी यूनिक है, और यहाँ पर इसका टर्मिनल सॉकेट भी आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड के लिए दिया गया है। प्लस यहाँ पर पेपर कोन की क्वालिटी आप देखेंगे तो आपको बेस का पेपर कोन की क्वालिटी टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी हार्ड पंच के लिए आपको ये स्पीकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसका स्पाइडर भी काफ़ी यहाँ पर मजबूत और काफ़ी अच्छा वाला स्पाइडर यूज़ किया गया है। अब हम बात करेंगे स्पीकर के प्राइस और स्पेसिफिकेशन के बारे में फुल इंफॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर स्वेटन 15PT1200 इसका मॉडल नंबर हो जाता है, और नॉमिनल डायमीटर 380 mm, जो कि 15 इंच का स्पीकर है, टॉप के लिए स्पीकर है, ये बेस के लिए स्पीकर नहीं है। आप इसको टॉप में यूज़ कर सकते हैं, डबल 15 या फिर सिंगल 15 में भी लगा सकते हैं। नॉमिनल इम्पीडेंस 8 ओम्स का स्पीकर है। पावर हैंडलिंग 1200 वाट AS पावर। RMS पावर कितना होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। प्रोग्राम पावर 2400 वाट। सेंसिविटी 96 dB। वॉइस कोइल 99.3 mm, मतलब कि 4 इंच का वॉइस कोइल। वॉइस मटेरियल कॉपर में यूज़ किया गया है, तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर क्वालिटी देखने को मिल जाएगा वॉइस कोइल का भी, साथ ही साथ इसमें तगड़ा वाला पंच भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं इस स्पीकर में हमें कितना फ्रीक्वेंसी में हम इस स्पीकर को रन करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो स्पीकर को आप लगभग 1.5 kHz से लेकर के 1.7 kHz के आसपास में अगर आप चलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1.7 kHz तक आप चलाइए, काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिड और बेस आपको देखने को मिलेगा, और स्पीकर काफ़ी अच्छा वर्किंग भी करने वाला है। वहीं हम बात करेंगे स्पीकर का 1200 वाट AS पावर है, तो इसका RMS पावर कितना बनेगा। तो इसका जो RMS पावर है वो लगभग 900 वाट का स्पीकर आपका बन जाता है। तो 900 वाट का स्पीकर बन जाता है, मतलब कि आप समझ ही सकते हैं कि कितना हेवी स्पीकर होता है 900 वाट RMS में। तो आपका जो स्पीकर है वो 900 वाट का है। इसी टाइप से आपको कैलकुलेट करके, लोड कैलकुलेशन करके एम्पलीफायर आपको लेना है। तो अब हम बात करेंगे एक टॉप के लिए एम्पलीफायर हम कितने वाट का लेंगे। तो अगर आप एक टॉप बनाते हैं तो आपका जो टॉप का वोल्टेज बन जाता है वो लगभग 2000 वाट बन जाता है HF को मिला करके। HF लगभग आपको 120 वाट का यूज़ करना है, तो लगभग 2000 वाट का एक कॉलम बन जाएगा। तो एम्पलीफायर जो आपका रहेगा वो आप काफ़ी हेवी एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे सिंगल एम्पलीफायर के बारे में, तो लगभग कम से कम आपके पास 1300 वाट से लेकर के 1500 वाट का एम्पलीफायर, बूस्टर एम्पलीफायर होना चाहिए। तो 1500 वाट का कम से कम एम्पलीफायर आपके पास, सिंगल चैनल एम्पलीफायर जो है वो एम्पलीफायर आपके पास होना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे तो UBA 1300 में भी आप चला सकते हैं, आहूजा की तरफ जो आता है वो एम्पलीफायर।
या फिर आप आहूजा का 1500 वाट का भी एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं एक टॉप को चलाने के लिए। अब हम वही बात करेंगे दो टॉप के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर लेंगे। तो यहाँ पर दो टॉप के लिए अगर आप एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो आपका जो एम्पलीफायर का वोल्टेज रहेगा वो रहेगा कम से कम 5000 वाट या फिर 4500 वाट, मतलब कि कम से कम 4500 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए या फिर आपके पास 5000 वाट का एम्पलीफायर होना चाहिए जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा हैवी पंच और काफ़ी अच्छा साउंड मिल सके। मैं रिकमेंड करूंगा 4500 वाट का एम्पलीफायर जो कि आपका स्पीकर भी डैमेज नहीं होगा अगर आप फुल वॉल्यूम में भी चलाते हैं तो 4500 वाट का एम्पलीफायर ले सकते हैं। जैसे कि स्टूडियो मास्टर की तरफ भी जा सकते हैं जो कि 4.5 आता है, पी सीरीज में एम्पलीफायर आता है, वो एम्पलीफायर आप यूज़ कर सकते हैं या फिर एलेक्सा 4500 भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे 4000 से ऊपर के वोल्टेज एम्पलीफायर आप यूज़ करें दो टॉप को चलाने के लिए। वही हम बात करेंगे चार टॉप को चलाने के लिए हम कितने वाट का एम्पलीफायर लेंगे। तो चार टॉप के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा इतने हैवी वोल्टेज स्पीकर चलाने के लिए, लेकिन अगर आप चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 8000 वाट का एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी एम्पलीफायर यूज़ कर लें जो कि आपको 2 ओम्स के ऊपर 4000 वाट का आउटपुट दे दे एक चैनल में 2 ओम्स के ऊपर, तो उस टाइप के एम्पलीफायर में अगर आपके पास है तो आप चला सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आपको 4500 वाट का आप 2 एम्पलीफायर यूज़ करें चार टॉप के लिए, काफ़ी बेस्ट रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छा पंच और काफ़ी अच्छा बेस मिलेगा, बेस लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्वेटन का 15PT 1200 स्पीकर का अप्रोक्सीमेटली प्राइस। तो इस स्पीकर का जो प्राइस है वो मार्केट में लगभग 9500 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा, मतलब कि 9500 से 10000 के बीच में आपको मिलने वाला है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली आपको प्राइस बताया है, प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो लगभग 9500 में ये स्पीकर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही था, स्वेटन 15PT 1200 स्पीकर का प्राइस बताया, स्पेसिफिकेशन फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो लाए आपके लिए। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो काफ़ी अच्छे अच्छे मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।